सुबह का टाइम था। ये देखें, ये हमारे गुलाब लगे हुए हैं और ये शहद की मक्खी देखें रस चूस रही है फूलों से। और जो शहद बनता है वो 1,000 फूलों से रस चूस के मक्खियाँ बनाती हैं। अल्लाह की शान और कुदरत देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कैसी निराली शान और रब है हमारा। तो ये फूल दिखाने का मकसद ये है कि आज ये गुलकंद के लिए नहीं, आज मैं दादा दादी की कब्र के लिए फूल मैंने इकट्ठे किए हैं। कब्र पे जाना था, कब्रों की सफाई करनी थी क्योंकि आगे ईद आने वाली है, तो इस वजह से। कब्रिस्तान में आ चुका हूँ जी, अभी सुबह का टाइम है और मैंने फूल तोड़ लिए थे, तो अभी ये दादी जान की कब्र है। दुआ भी करूँगा, इसकी सफाई भी करूँगा और फूल डाल के फिर दुआ भी करूँगा इंशाल्लाह। और भी दादा जान की कब्र आ गए तो उसकी भी सफाई करनी है और फूल डाल के दुआ करनी है इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के करम फजल और शुक्र के साथ करते हैं जी आज का व्लॉग शुरू। आज मैं कब्रिस्तान आया हूँ और कब्रों की सफाई करूँगा और इंशाल्लाह फिर दुआ करके फिर घर जाऊँगा। ये देखें जी, जितनी सफाई हो सकती थी मैंने की है। बाकी जो सख्त घास है ये वाला जड़ों वाला, ये ज़रा मज़बूत है तो वही बाद में निकाल दूँगा इंशाल्लाह। मेरे पास अभी कोई चीज़ भी नहीं है, औजार भी नहीं है, तो ये देखें आप ही मेरे ज़ख्मी हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सफाई हो चुकी है, अब गुलाब की पत्तियाँ डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी गुलाब की पत्तियाँ डाल दी हैं। ये दादा जान की कब्र है और इसके साइड पर देखें कितना गंद हुआ है। ये भी कुछ चीज़ लेके आऊँगा, कोई औजार उस लिए अब मैं साफ़ नहीं कर सकता इसको, अंदर से तो सफाई कर लूँगा क्योंकि ये तो ज़्यादा ट्रिपल उसमें करके बनी हुई है और इसमें इतना गंद नहीं है। ये फूल लगे हुए हैं, ये लगे रहेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा ये चीज़ है दूधी, इसको निकाल दूँगा। यस्कन्ना गोरी का भी लगा हुआ पौधा, ये देखें ये इसके फल लगे हुए हैं, ये देखें ये इसके अंदर गोरी का लगा हुआ ये वाला। अल्हम्दुलिल्लाह सफाई कर दी है और गुलाब की पत्तियाँ भी डाल दी हैं और अब करते हैं जी दुआ और फिर जाते हैं घर को इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी कब्रिस्तान से वापस घर आ चुका हूँ, अभी करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह और फिर वॉक के लिए निकलूँगा। ये जो गुलकंद बनाया था जी मैंने, ये देखें दोनों बॉटल्स भरी हुई हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसको रखते हैं धूप के ऊपर, फिर ये सही तैयार होगा। ये देखें जी अभी धूप पे रखती हैं इंशाल्लाह, तो ये सही धूप पे तैयार हो जाएगा। कोई भी चीज़ हो, बालों के लिए ऑयल बनाऊँ वो भी मैं रखता हूँ धूप पे, क्योंकि धूप की अपनी एक तासीर होती है। ये देखें आज सही धूप निकली हुई है, रात को बारिश भी बहुत हुई है और सूरज आबोताब के साथ निकला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अप्रैल शुरू हो चुका है, ये देखिए। अभी अपनी कटिंग भी करवानी है जी, हेयर कटिंग करवानी है, दाढ़ी भी सेट करवानी है इंशाल्लाह। तो ये इंशाल्लाह ज़िंदगी ने अगर वफा की तो 27वीं और या 28वीं को इंशाल्लाह कटिंग करवा लेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं बाहर आया हूँ जी, नेल काट रहा हूँ अपने। और ये देखिए ये भी आ गई है, इसको भूख लगी हुई है। मैंने कैटू को दिए हैं कुछ हड्डियाँ दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी। जोर की नमाज़ मस्जिद में पढ़ के आ चुका था और अभी दो सुन्नत जो थे वो अभी घर में पड़े हैं, और आते हुए मैं अस्कंदर गोरी के प्लांट्स छोटे छोटे वो ले आया हूँ, अभी उनकी जड़ें जो हैं वो धो लेते हैं और साफ़ कर लेते हैं। ये देखें ये अस्कंदर गोरी के पौधे जो नन्नी मुन्नी सी रूट्स थी इनकी, ये देखें मैं ले आया हूँ क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं फिर ये उखाड़ने मुश्किल, अभी बारिशें हो रही हैं तो ईज़िली ये निकल आए हैं, तो ये बड़ी काम आती हैं, तो इसलिए अभी मैं धो के इनको साफ़ करके रख लेता हूँ। ये रूट्स इसकी काट के मैं ऊपर ले आया हूँ, ये देखें इस टाइप से। अब ये थोड़ा सा धूप पर खुश्क हो जाएंगी, पानी ज़रा खुश्क हो जाएगा फिर इसको मैं नीचे ले जाऊँगा। ये बहुत ज़्यादा मुफीद है इंसानी सेहत के लिए। और ये देखें ये हमारा गुलकंद पड़ा हुआ है धूप पे रखा हुआ है, इंशाल्लाह ये 2-3 दिन तक तैयार हो जाएगा। इसको मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ, ये देखें जी ये इस टाइप का है। इसमें थोड़ी सी मिश्री और ऐड करूँगा इंशाल्लाह, तो फिर ये देखें
नीचे से बनना शुरू हो गया। ये नीचे मैं रूम में आ चुका हूँ जी, और ऊपर बहुत सख्त गर्मी है, आज धूप निकली है, रात को बारिश थी और अभी धूप पे खड़ा नहीं होने जा रहा, इतना सख्त तपिश है। तो अभी रेस्ट करते हैं जी थोड़ा सा, और रमज़ान में आपको पता है वीकनेस हो जाती है, तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने बनाया था गुलकंद, आई थिंक पिछले साल रमज़ान में बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें सही तैयार हुआ है, काफ़ी सारा यूज़ भी किया मैंने। ये देखें जी सही माशाल्लाह से तैयार हुआ है, और खुशबू भी ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। ये देखें माशाल्लाह, ये भर के बाटल मैंने बनाई थी, इसमें शहद भी ऐड किया था, ये देखें मिश्री भी, और दूध के साथ, गर्म दूध के साथ आप आधी चम्मच रात को सोते वक्त ले सकते हैं। खून भी पैदा करता है और कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है। ये देखें बेहतरीन चीज़ है, और सही खुशबू आ रही है इसके अंदर, और जो बाजारी होता है वो तो पता नहीं क्या चीज़ होता है उसमें, क्या चीज़ ऐड की हुई होती है, तो ये तो बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह, धूप इतनी सख्त है, इसमें से जितना भी ये मॉइस्चर था, पानी था, अब बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। अब इसको नीचे ले जाते हैं तो गुलकंद पड़ा रहे। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह खुश्क हो चुकी है, अब इसके मैं छोटे छोटे पीसेस काट लूँगा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए, अब इसको बहरी छोड़ देंगे, जब खुश्क हो जाएंगी तो बाटल में भर के रख देंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रख देते हैं। आज खाने में ये राइस बन रहे हैं जी, और साथ में आलू की अम्मी जान भुजिया बनाएंगी। तो इमाम नसाई ने नकल की, उसमें इरशाद फरमाया कि हर मुसलमान के लिए हर रोज सदका है। ये उन्वान बड़ा अहम है और समझने के लायक है, जब हम हदीस को समझेंगे तो ये इतना मुश्किल नहीं लगेगा। बताए तो बड़ा अजीब लगता है कि हर रोज बंदा 360 सदकात दे, लेकिन जब हदीस की तशरीहें पढ़ते हैं तो इससे भी ज्यादा बंदा हर रोज सदकात दे सकता है। रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में इस आपके लिए स्पेशल हदीस का गुलदस्ता, इसलिए कि हम साल भर इन हदीस को समझे और फैज हासिल करते रहे। तो अब आप तशरीह की तरफ आते हैं, बल्कि सहाबाए किराम ने सवाल भी तय कर दिया, इसी हदीस का अगला हिस्सा है। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, ये तो मुश्किल है। इस पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने जो हदीस यहाँ इरशाद बयान फरमाई और मुतफर्रिक मकामात पर हदीस बयान की है, फुकहाए किराम ने उन हदीस को इकट्ठा किया है, उनकी तादाद तकरीबन 15 के करीब बनती है। आज हम कोशिश करेंगे कि 15 हदीसें सुने सदके के हवाले से, और अगर उनमें से फिर हर हदीस की तशरीह की जाए तो ये मजीद किस्में बन जाती हैं, जैसे हम पढ़ेंगे हमें समझ आ जाएगी। इस जवाब में अल्लाह के प्यारे बाबू ने इरशाद फरमाया, इन्ना सलामा का अलल मुस्लिम सदका, तुम्हारा मुसलमान को सलाम करना सदका है। अब आप देखें 360, तो खाली सलाम करना एक बंदे को किया तो सदका, दूसरे को किया तो सदका। तो अगर यही नेकी बतामाम करे तो वो जो हदीस पाक में कि हर रोज 360 सदके करो। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी जुम्मे की नमाज पढ़ के आ चुका हूँ, और आज रमजान मुबारक का तीसरा जुम्मा है, और आप सबको जुम्मा मुबारक हो। तो अभी करते हैं थोड़ा सा रेस्ट। ये देखें जी ये जो इसका नगोरी थी, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये अब खुश्क होने लग गई है, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के मेन्यू में जी अम्मी जान कीमा बना रही हैं, ये देखें जी ये अभी फ्रीज़र से निकाल के लेके आई हैं, तो अभी बनेगा ये कीमा।
दिया था अम्मी जान ने, तो फिर भी भूख लगी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह फूल कैसे खिले हुए हैं माशाल्लाह। देखें माशाल्लाह इधर भी देखें अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी मेरे पास कैमरा घर में, ये भी सेल फोन चार्जिंग पे था, तो मैं गया था नकीबुल्ला भाई, ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं एडवोकेट, ये उनके गार्डन से तोड़ के मैं लेके आया हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये पुदीने फ्रेश और ये धनिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये तारीख कर चुका था और नमाज भी पढ़ ली थी और अभी अपने बिस्तर पे लेटा हुआ हूँ। तो ये था जी आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं नई अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।